में टीवी, अखबार, सोशल मीडिया, मैगजीन के माध्यम से धीरे धीरे लोग जानना शुरू किए। यहाँ जितने लोग आए आप लोग बताइए, सोशल मीडिया, टीवी से ओम प्रकाश राजभर को कितने लोग जानते हैं, जरा हाथ उठाइए। आप लोग भी कुछ जानते हैं? अगर नहीं जानते हैं तो देश में बहुत मशहूर हैं गूगल बाबा, देश में बहुत मशहूर हैं गूगल बाबा। गूगल बाबा से खाली हमारा नाम ले लीजिएगा, उसके बाद आपको समझा देंगे। आज कार्यकर्ता सम्मेलन है, हमारे साथी बलरामपुर के जिला अध्यक्ष भाई सुरेंद्र सिंह और बबलू जी, जोरदार ताली बजा करके इनका स्वागत करिए। इनका प्रयास, इन्होंने अमरमणि जी को और ओम प्रकाश पाल जी से कहा कि भाई नेताजी को इधर ले आइए। जब प्रस्ताव हमारे पास पहुंचा तो मैं तो इंतजार ही कर रहा था, और आपके बीच में, आपके अनुरोध पर हम लोग इधर हाजिर हैं। भाई गोंडा के जिला अध्यक्ष हैं पप्पू राजभर जी, जोरदार ताली बजा के इनका स्वागत करिए। भाई श्रावस्ती जिले के जिला अध्यक्ष हैं दीपू जायसवाल जी, दीपू जी का जोरदार ताली बजा के स्वागत करिए। बहराई जिले के जिला अध्यक्ष हैं महामुनि राजभर, आपके बलरामपुर में उतरौला और बलरामपुर काफी कार्यक्रम हम आके किए हैं, ऐसा नहीं है कि हम आपके गोंडा बलरामपुर को छोड़ दिए। हम लोगों के बीच में भाई मोहम्मद अहमद जी हैं जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के, जोरदार ताली बजा के भाई का स्वागत करिए। भाई मनीष मिश्रा जी जो प्रवक्ता हैं मध्यांचल के, बड़ा जोरदार भाषण दे रहे थे। हम तो यही चाह रहे हैं कि नौजवान आगे आवे और जोर से ललकारें। भाई श्रवण मिश्रा जी जो प्रदेश के महासचिव हैं, बबलू खान जी जो प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं, हमारे राम प्रसाद चौरसिया जी जो प्रदेश महासचिव हैं, हमारी बड़े भाई हैं माननीय रामललित चौधरी जी जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं पार्टी के, बस्ती जिले के रहने वाले हैं। इनके विषय में सपा की गवर्नमेंट में योजना आयोग के उपाध्यक्ष थे, एक दिन हमारी इनकी मुलाकात हुई। इन्होंने कहा कि मैं आपको खोज रहा था, हमने सोचा कि कहीं गड़बड़ तो हम नहीं किए हैं था। इन्होंने कहा कि नहीं नेताजी, आपकी विचार से हम आपके साथ काम करना चाहते हैं, आप हमको अपने साथ ले लीजिए। जो लड़ाई आप लड़ रहे हो, किसी की हिम्मत नहीं है कोई ये आवाज देश में बोल सके। उसी दिन से लगातार, चाहे बनारस हो, चाहे लखनऊ हो, चाहे बलरामपुर, पूरे प्रदेश के 75 जिले, इसके साथ साथ जहां भी हम दूसरे स्टेट में जाते हैं वहां भी हमारे साथ ये आते हैं। हमारे डॉक्टर तुलसी राजभर जी हैं जो प्रदेश के नेता हैं, रहने वाले गोंडा और बस्ती के बॉर्डर पे रहते हैं, ये काम बहुत अच्छा करते हैं। देखिए भाई, बात तो अलग अलग है, एक बात आप लोग समझ लीजिए। 18 जुलाई अभी जो बीता है, 18 जुलाई को एनडीए में हम शामिल हुए। एनडीए जो माननीय मोदी जी की गोल है, एक गोल बनी है सोनिया जी की, एक गोल बनी है मोदी जी की, तो मोदी जी की गोल में हम लोग शामिल हैं। अगर किसी के भ्रम हो तो वो निकाल देना। हम अपनी पार्टी का आंदोलन चलाते हैं, अपनी पार्टी की विचारधारा बताते हैं और लोगों को समझाते हैं। हम माननीय नरेंद्र मोदी जी के साथ क्यों गए,
पिछले कार्यकाल में यहाँ यूपी में जब पहली बार 2017 में माननीय योगी जी मुख्यमंत्री बने तो मैं उनके मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्री बना। आप ही की लड़ाई को लेकर के 18 महीने माननीय अमित शाह जी से, माननीय योगी जी से कुछ तकरार हुआ और मैंने रिजाइन दे दिया। देश में किसी की हिम्मत नहीं है कि कोई प्रधानी से रिजाइन दे दे, लेकिन ओम प्रकाश राजभर ने उत्तर प्रदेश में कैबिनेट मंत्री से इस्तीफा दिया। आज हम माननीय मोदी जी के साथ क्यों गए? हम जहां खड़े हैं बलरामपुर जिले में, उत्तर प्रदेश के 75 जिले जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, सपा की सरकार हुआ करती थी, तो बताओ प्रदेश में दंगे होते थे कि नहीं होते थे? जोर से बोलो, दंगे होते थे, कर्फ्यू लगते थे। 6 साल से योगी जी की सरकार, इसमें मोदी जी की 9 साल से सरकार है, बताओ उत्तर प्रदेश में कर्फ्यू लगा? बोलो कहीं कर क्यों नहीं लगा? क्यों नहीं लगा? इस बात का है, सरकार रुतबा से चलती है और अपराधी पाल के नहीं चलती है। हमारी बात कड़वी होती है। याद दिलाता हूं मथुरा के रामवृक्ष यादव की घटना। रामवृक्ष यादव